मार्च का महीना बस आ ही गया और इसी के साथ टैक्स भरने की तारीख भी आ जाएगी। अब इस बार के टैक्स सीजन में कई चीजें पहली बार होंगी, जैसे कि क्रिप्टो टैक्सेस और TDS। पहली बार लोगों को अपने क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस और दूसरे क्रिप्टो रिलेटेड एसेट्स के बारे में रिपोर्ट करना होगा और उनके गेन्स पर 30% टैक्स पे करना होगा। नाउ देयर इज अ लेटेस्ट अपडेट टू दिस न्यूज़। देयर विल बी अ सेपरेट शेड्यूल फॉर रिपोर्टिंग इनकम फ्रॉम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स सच एज क्रिप्टो करेंसी इन द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म फॉर इंडिविजुअल्स फॉर असेसमेंट ईयर 2023-2024। Central Board of Direct Taxes notified ITR Form 1-6, ITR 5th Verification Form and ITR Acknowledgement Form for AY 2023-2024 through a notification dated February 10, 2023. अब इसके बारे में भी डिटेल में जानेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सेक्शन 115 BBH के बारे में बात कर लेते हैं। अंडर बजट 2022, द फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इंट्रोड्यूस अ न्यू सेक्शन 115 BBH फॉर टैक्स ऑन क्रिप्टोकरेंसीज एंड अदर VDS, यानी कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, एंड ऑल्सो इंट्रोड्यूस अ न्यू सेक्शन 194S फॉर द डिडक्शन ऑफ TDS ऑन द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट। अब सेक्शन 115 BBH के अंडर क्रिप्टो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को अपने प्रॉफिट पर 30% टैक्स देना होगा एंड दैट टू विदाउट एनी डिडक्शन। रिसेंटली गवर्नमेंट ने सेक्शन 194S पर भी एक अपडेट दिया, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई ट्रेडर या इन्वेस्टर अपने क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पर TDS पे नहीं करता है तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी, जो कि फाइन इक्विवेलेंट टू TDS या फिर अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अब इसके बारे में और आप हमारी वीडियो में जान सकते हैं। चलिए अब मैं आ जाता हूँ इस वीडियो के मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ। तो ये फॉर्म है जो आपको आपके ITR भरते वक्त दिखाई देगा, जहां आपको आपके वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के बारे में रिपोर्ट करना है। नाउ द न्यू शेड्यूल फॉर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स इन द ITR फॉर्म रिक्वायर्स डिटेल्स सच एज डेट ऑफ एक्विजिशन, डेट ऑफ ट्रांसफर हेड अंडर विच इनकम इज टू बी टैक्स्ड, कैपिटल गेन्स, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ गिफ्ट, एंटर द अमाउंट ऑफ विच टैक्स इज पेड अंडर सेक्शन 56(2) इफ एनी, इन एनी अदर केस cost to previous owner, income from transfer of virtual digital assets, enter nil in case of loss for transfer of virtual digital assets. So those earning income or gains from VDS should now be prepared with all these details while filling ITR for assessment year 2023-2024 or financial year 2022-2023. Now there is a lot of information that is missing for the timing, like what if someone has a large number of transactions, how will they fill the form in that case? Suppose they have more than 10,000 transactions, then it will be both impractical and impossible to do so. तो अभी इसके रिकॉर्डिंग कुछ और अपडेट्स आना बाकी हैं, जिसका हमें वेट करना चाहिए। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें CoinX को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।